लालू यादव 5 दशक पहले भी सुर्खियों में थे और आज जब वे बीमार हैं तब भी सुर्खियों में हैं। आज भी इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से विरोधी घबराए रहते हैं, खासकर बीजेपी में बेचैनी हो जाती है। दूसरी ओर लालू यादव अपने देसी अंदाज से सीधे पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल ठेठ बिहारी अंदाज में जीते हैं और सीधे लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। उनके गवाईपन की मीडिया भी दीवानी है। उनसे जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं जिन्हें आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार वो कहानियां आपको मजेदार लगेगी। इसलिए लोग ना सुनते अघाते हैं, ना ही मीडिया वाले लिखते हुए थकते हैं। ऐसे में आज 5 PM के 5 का तड़का में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री RJD प्रमुख लालू यादव के जीवन से जुड़ी 5 रोचक कहानियां हम आपको बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। लालू यादव आज भले ही सुख सुविधा में जी रहे हों, लेकिन उनका बचपन काफी गरीबी में बीता है। पिताजी के पास काम भर जमीन थी, किसी तरह परिवार चल जाता था। लालू जब 90 के दशक में मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने विदेशी पत्रकार विलियम ड्रिम्पल से बात की थी। तब लालू ने बताया था कि मेरे पिता छोटे किसान थे, मेरे पिता ऊंची जाति के लोगों की गाय और भैंसों की देखभाल करते थे। उनके पास 3 एकड़ जमीन भी थी। वो अनपढ़ थे, धोती पहनते और पूरी जिंदगी में एक जोड़ी जूता नहीं रहा उनके पास। उन्होंने आगे बताया कि मेरी माँ दही दूध बेचती थी, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। हम मिट्टी से बनी एक झोपड़ी में रहते थे जिसमें कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। अब बात करते हैं 4वें नंबर की। ये सभी जानते हैं कि लालू यादव की 9 संतानें हैं, उन्हें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। दोनों ही बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अभी बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी CM हैं तो तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं। इसी तरह मीसा भारती वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन लालू भी 6 भाई और 1 बहन हैं। इनमें से बहन गंगोत्री देवी समेत 4 भाइयों का निधन हो गया है। बता दें कि जब लालू यादव पटना आए थे तो पढ़ाई करने के लिए आए थे। उस समय 3रे नंबर के भाई मुकुंद राय जिंदा थे और वे पशुपालन विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे और पटना वेटनरी कॉलेज के एक छोटे से चपरासी क्वार्टर में रहते थे। इस चपरासी क्वार्टर में रहकर लालू यादव ने अपनी पढ़ाई की थी। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। लालू यादव जब पढ़ाई करने के लिए पटना आए तब उन्हें ABCD भी नहीं आती थी। उन्होंने ये बातें कई बार पत्रकारों को बताई है। दरअसल लालू यादव का बचपन काफी गरीबी के साथ ही खेतों में बीता है। घर में कभी जरूरत के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता था, इसी वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जब वे सब बड़े हो गए तो सबको भैंसे चराने के लिए भेजा जाने लगा। इसके बाद उनके 2 बड़े भाई पटना गए और भाई मुकुंद राय को एयरपोर्ट के पास वेटनरी कॉलेज में नौकरी मिली। नौकरी से बड़े भाई तब रोज के 94 पैसे बस इतना ही कमाते थे। जब उन्होंने कुछ पैसे बचा लिए तो लालू यादव को पटना बुला लिया। माहौल बदला तो पढ़ाई में भी लालू यादव का मन लगने लगा। लेकिन लालू यादव जब पहली बार पटना आए तब उनकी उम्र महज 12 साल थी और उस समय उन्हें पढ़ाई के बारे में बराबर जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि उन्हें ABCD तक नहीं आता था। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। लालू यादव छात्र जीवन से ही पॉलिटिक्स में शामिल हो गए थे। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पॉलिटिक्स का ही प्रभाव था कि उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान लोकल दुकानदारों से इस कदर उन्हें लगाव हो गया था कि उनसे चाय नाश्ता के पैसे भी नहीं लिए जाते थे। उन दुकानों पर लालू यादव की जमकर महफिल जमती थी। उनकी महफिल में सभी गुट के लड़के शामिल होते थे। उस समय आज की तरह दुश्मनी वाली राजनीति नहीं हुआ करती थी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे कई दफे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ गए और पुराने दुकानदारों से मिले थे। अब बात करते हैं 1रे नंबर की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लालू यादव को एक बार भूतों ने पकड़ लिया था। ये भी बचपन का वाक्य है और सबसे ज्यादा रोचक है। ये हम नहीं कह रहे कि लालू यादव को भूतों ने पकड़ लिया था। इस वाक्य को लालू यादव ने खुद अपनी किताब गोपालगंज टू रायसेना में सुनाया है। इस बारे में किताब के एडिटर नीलन वर्मा भी कहते हैं कि भूतों वाली कहानी को लालू यादव ने खुद सुनाया था। दरअसल लालू यादव बचपन में ब्रह्म बाबा के भजन सुनने गाँव की भजन मंडली में जाया करते थे। उम्र भी काफी कच्ची थी। एक बार भजन सुनते सुनते कब लालू यादव को नींद आ गई उन्हें पता नहीं चला। वो पूर्णिमा की रात थी।
कहा जाता है कि जब गहरी नींद में वो थे तब दो दोस्तों ने उन्हें उठाया और घर चलने को कहा। लालू यादव इतनी अधिक नींद में थे कि उन्होंने ये नहीं देखा कि वे दोनों दोस्त ही हैं या कोई और। लालू को लगा कि वे दोनों दोस्त हैं, लेकिन ये क्या, वे दोनों घर के बजाय शमशान की ओर ले जा रहे थे। आधी नींद में रहने के बाद भी लालू को डर लगा और बहाने बनाकर वो बैठ गए। तभी गाँव के ही तपेश्वर बाबा पता नहीं कहाँ से आ गए और लालू यादव को जोर से डांटे। तब लालू चुपचाप घर आकर सो गए, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों दोस्तों घर में थे। तब उन्होंने अपनी माँ मरचिया देवी को पूरी डिटेल्स बताई। माँ ने कहा, जरूर दोस्तों के रूप में वे दोनों भूत होंगे और ब्रह्म बाबा ने तुम्हें बचाया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।